और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान से ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा आई सीमा हैदर की परेशानी, उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। पिछले 2 से 3 दिनों तक सीमा हैदर और सचिन मीडिया से दूरी बनाए हुए थे, लेकिन जानकारी के मुताबिक सीमा हैदर अब यूपी एटीएस की हिरासत में है और यूपी एटीएस सीमा हैदर और सचिन दोनों से पूछताछ कर रही है। इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि सीमा हैदर और सचिन को यूपी एटीएस ने हिरासत में लिया है और किसी सीक्रेट लोकेशन पर ले जाकर इन दोनों से एटीएस यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड पूछताछ कर रहा है। जांच एजेंसी सचिन के पिता से भी पूछताछ कर रही है। सूत्रों के मुताबिक आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो को इनपुट मिला है कि सीमा हैदर के चाचा पाकिस्तानी सेना में सूबेदार हैं, उसका भाई भी पाकिस्तानी आर्मी में जवान है, जबकि इससे पहले सीमा ने अपने भाई को लेकर कहा था कि वो सेना में नहीं है बल्कि सेना में भर्ती की तैयारी कर रहा है। एटीएस इस इनपुट की जांच कर रही है कि जो सीमा ने कहा था वो कितना सच था, क्योंकि जो इनपुट्स अलग से मिल रहे हैं वो ये बताते हैं कि सीमा का भाई अभी प्रेजेंटली वर्किंग है पाकिस्तान की आर्मी में। इस बीच आपको बता दें कि एटीएस इस वक्त एक्शन में है, सीमा हैदर के पासपोर्ट को भी जांच के लिए भेजा गया है, साथ ही उसकी मोबाइल डिटेल्स की भी दोबारा जाँच की जा रही है। उधर नोएडा पुलिस ने सीमा के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी है। सचिन का जो परिवार है उसे फिलहाल किसी से भी मिलने नहीं दिया जा रहा है। सचिन के घर वालों ने दरवाजे बंद कर लिए हैं। सीमा की जो कहानी है वो सलमान खान की एक फिल्म टाइगर जैसी है, जिसमें फिल्म की तरह ही सीमा की कहानी में भी लव, गेम, धोखा और जासूसी का एंगल भी है। उसका फ़ोन क्यों टूटा, उसने सिम बार बार क्यों बदले, फर्राटेदार अंग्रेजी जो वो बोलती है, जो ओवर स्मार्टनेस उसकी कही जा रही है, उसके राज क्या हैं, एजेंसियां, ऐसे तमाम सवाल हैं, तमाम पहलू हैं जिनको सीमा के मुंह से सुनना चाहती है, जानना चाहती है और फिर कड़ी को जोड़कर सच तक पहुंचना चाहती है। सवाल ये भी है कि क्या यूपी एटीएस ने सीमा हैदर का बैग पैक कर दिया, यानी कि क्या सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेजने की तैयारी हो रही है, क्या जल्द ही पाकिस्तान विदाई कर दी जाएगी सीमा हैदर की। इस तरह का जो एक्शन अभी लिया जा रहा है, जिस तरह से पूछताछ हो रही है, उसको देखकर तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या सीमा हैदर का रिटर्न टिकट कट चुका है। क्योंकि देखिए जो कहानी है सीमा हैदर, उसमें बहुत से झोल हैं, बहुत से पेच हैं, उन पेच को सुलझाने की एटीएस कोशिश कर रही है, क्योंकि ये भी सामने आया था कि कुछ मोबाइल फ़ोन थे सीमा के पास, 3-4 मोबाइल फ़ोन उसने तोड़े, 3-4 सिम उसने बदले, इतनी आसानी से वो कैसे पाकिस्तान से सऊदी अरब होते हुए नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान आ गई, किसी ने उसको रोका नहीं, इतना इजीली वो आ गई, इतना कॉन्फिडेंट तरीके से वो बातें करती है और जो उसने बातें कही हैं, जिस तरह के स्टेटमेंट्स उसने पिछले दिनों के दौरान दिए हैं, उन सारे स्टेटमेंट्स को सिलसिलेवार तरीके से रखकर अब एटीएस उनको टैली कर रही है कि उसके बोलने में, सीमा के स्टेटमेंट्स में, उसके बयानों में कोई विरोधाभास तो नहीं है। इस बीच इंटेलिजेंस ब्यूरो क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर एक अलग जाँच कर रहा है, तो इस तरह के इनपुट्स भी मिले हैं कि सीमा ने इस बात की जानकारी को छुपाया कि सीमा का चाचा जो पाकिस्तान आर्मी में है उसमें सूबेदार के पद पर है। सीमा का भाई पाकिस्तान की आर्मी में जवान है, जबकि सीमा ये कहती रही कि नहीं, मेरा भाई पाकिस्तान आर्मी में जवान नहीं है, वो आर्मी के लिए तैयारी कर रहा था। तो इस झूठ को बोलने के पीछे क्या वजह है, इन तमाम चीज़ों को अभी जो सुरक्षा एजेंसीज हैं, क्योंकि ये सीधे तौर पर देश की सुरक्षा से जुड़ा, मुल्क की सुरक्षा से जुड़ा मामला है, इसलिए किसी भी पॉइंट पर कोई भी लूप होल ना रह जाए, इसीलिए सुरक्षा एजेंसियां इस वक्त बेहद अलर्ट मोड में हैं। इससे पहले भी जब 4 जुलाई को सीमा को गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तारी के बाद से लगातार सुरक्षा एजेंसियाँ इस मामले में बैक टू द स्टेज, पर्दे के पीछे लगातार जाँच कर रही हैं और ऐसा माना जा रहा है कि इस जाँच के दौरान जिस तरह के इनपुट्स मिले हैं, उस इनपुट्स के आधार पर ही आज एक बार फिर से सीमा को हिरासत में लिया गया है और UPATS इस वक्त सीमा से, सचिन से और सचिन के पिता से पूछताछ कर रही है। दरअसल ये जानना चाहती है कि जो 3 किरदार हैं इस स्टोरी के, सीमा, सचिन और सचिन के पिता, क्या इनका रोल है, क्या किसी तरह की कोई साजिश है, और सबसे बड़ा सवाल जो हिंदुस्तान की आवाम के दिलों में है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सीमा हैदर कोई जासूस है, कोई पाकिस्तानी एजेंट है, ISI की एजेंट है, इन तमाम सवालों, जो सवाल उठ रहे हैं लोगों के मन में, इनका जवाब तलाशने की कोशिश इस समय UPATS कर रही है। दरअसल सीमा गुलाम हैदर का मामला जितना सीधा दिख रहा है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, जितना सीधा ये दिख रहा है उतना सीधा है नहीं। इंडिया न्यूज लगातार सीमा हैदर के मामले की पड़ताल कर रहा है। कल भी हमारी कई टीमें रबूपुरा गांव में घंटों मौजूद रही और उसके घर का दरवाजा हमने कई मर्तबा खटखटाया। हमने सीमा से बात करने की कोशिश की कि वो बाहर निकले तो अपना सच बताए, लेकिन न तो दरवाज़ा खुला, दरवाजे के जो पट थे वो बिल्कुल बंद थे
और न ही सीमा है तक बाहर निकली, न ही घर के अंदर से कोई आवाज आई। देखिए आप। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़, मैं हूं आपके साथ अनन्या विधि और इस वक्त पूरी टीम जो है इंडिया न्यूज़ की वो हमारे साथ मौजूद है। रबूपुरा गांव में हम हैं और मेरे ठीक पीछे आप देखेंगे तो सीमा हैदर का घर है। 12 बजे से हम लोग यहाँ पर मौजूद है और लगातार हमने यहाँ पर सीमा से बात करने की कोशिश की, सीमा से बात नहीं हुई, इस गेट को खुलवाने की कोशिश की हमारी टीम में अंजलि लगा देने की, मैंने महेंद्र ने साथ ही साथ ममता ने और रजत ने हम सभी ने कोशिश की है गेट खटखटाए। कई बार हमने कोशिशें की लेकिन कई कोशिशों के बावजूद भी ये गेट नहीं खुला। सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या वाकई में सचिन और सीमा इस घर के भीतर मौजूद हैं, क्योंकि अपने 4 बच्चों को लेकर सीमा यहाँ पर आई है, पाकिस्तान से भारत आई है, सचिन के प्यार में भारत आई है, लेकिन क्या ये मुमकिन हो सकता है कि छोटे छोटे बच्चों को घर में कैद रखा जा सके? क्या इस घर के भीतर सचिन और सीमा मौजूद है? चूंकि हम आपको एक बार दिखाएंगे कि जो घर है वो अंदर से लॉक है, बाहर से ताला नहीं लगा है, यानी कि घर के भीतर कोई मौजूद है, घर के भीतर अगर कोई मौजूद है। बिल्कुल अंजलि, हम क्योंकि इसको बार बार गेट को नॉक करने की कोशिश कर रहे हैं और कई काफी घंटों से कर रहे हैं, किसी ने गेट खोला नहीं, लेकिन हमारे साथ हम यहाँ से आगे निकल रहे हैं अब और जरा हमारे संवाददाताओं से ये समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि तमाम बीड़ा समाज के साथ हमारे संवाददाता थे, मुस्लिम समाज के साथ हमारे संवाददाता थे और साथ ही हमारी सहयोगी मार्केट में हम लोग मौजूद थे और अंजलि ने मंदिर में बैठ कर भी बात की लोगों से, महिलाओं से, क्या क्या उनका कहना था ये जरा समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं रजत आपके पास आ जाती हूँ। रजत, क्योंकि आप मीणा समाज के लोगों के साथ मौजूद थे, क्या कहा गया उनकी तरफ से सीमा हैदर को लेकर? सीमा हैदर जो सचिन को लेकर दावे कर रही है, कितनी सच्चाई उनको नजर आ रही है? देखिए अनन्या, जिस तरीके से लोगों का कहना है कि जब पाकिस्तान से सीमा भारत आएगी तो रहने दो, लेकिन यहाँ पर रहने का नहीं होता, सवाल खड़ा होता देश की सुरक्षा को लेकर, सवाल खड़ा होता शादी को लेकर। क्या हिंदू धर्म में जो शादी की है उन्होंने काठमांडू में, क्या वो वैध है या नहीं है? जिस तरीके से हमने लगातार कोशिश की गेट खटखटाया, लेकिन सीमा हैदर की परिवार की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई भी जवाब नहीं आया है। अब सीमा हैदर छिपती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जब मीडिया के सवाल तमाम खड़े होते हैं, जब कुछ शब्द ऐसे होते हैं, जब कहें तो कुछ चीजें निकल आ रही है सीमा हैदर को लेकर, जो कहीं ना कहीं सीमा हैदर द्वारा जो दिए गए बयान पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। लोगों से मेरी बातचीत हुई, लोग इस पूरे मामले को लेकर कह रहे हैं कि इस मामले पर जांच होनी चाहिए। सीमा हैदर कैसे पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई, किस रास्ते से आई, ये उनकी तरफ से कहा गया कि इस मामले को लेकर जांच जरूर होनी चाहिए। और साथ ही लोग ये कह रहे हैं कि जो पुलिस है उन पर कार्रवाई सीमा हैदर पर उसे उन्हें करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से अगर वो आई है और किसी इरादे से तो नहीं आई है, क्योंकि वो जहाँ से आती है पाकिस्तान का जो इलाका है सिंध प्रांत से वो आती है, वहाँ को लेकर भी कहीं ना कहीं ममता सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि सिंध प्रांत में बलूची बोली जाती है लेकिन वो फ्लुएंटली हिंदी बोल रही है। लेकिन लोगों का ये भी सवाल है कि उसका नाम सीमा है, तो उनका ये कहना है कि मुस्लिम समाज में नाम सीमा नहीं होता है, तो उनका ये कहना है कि वो वहाँ की भी पहचान कहीं ना कहीं छुपा रही है, ये भी एक एंकल इसमें निकल कर सामने आ रहा है। और ये यहाँ के समाज के लोगों का ये कहना है, सबसे पहले उन्होंने यही बोला अगर वो हिंदी रीति रिवाज को जानती है तो वो पूरी तरीके से ट्रेंड है, उसे सब पता है कि कैसे क्या चीज करनी है, वो यहाँ आके नहीं सीखी है, वो पहले सीखी सिखाई है। और अगर हम देखें तो सीमा ने ये कहा था कि हम वीडियो कॉल पर बात करते थे, वो मुझे यहाँ के बारे में दिखाते थे, मैं उन्हें पाकिस्तान के बारे में दिखाती थी, तो ये सारी चीजें प्री प्लान्ड जो है वो सब प्लानिंग। लेकिन मैं कुछ लोगों से भी बात करना चाहूंगी, ये लोग भी हमारे साथ लगातार यहाँ पर जुड़े रहे। अंजलि, इसके बाद आप अपना रिएक्शन दीजिएगा, क्या कैसे देखते हैं आप, क्योंकि हमने बहुत कोशिश की, तो 12 बजे से हम यहाँ है, 4-5 घंटे से हम लगातार सीमा से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, पहले वो लगातार बात कर रही थी और अब बात नहीं कर रही है, आपको क्या वजह नजर आती है, किन चीजों को छिपाने की कोशिश हो रही है? इस तरीके से चूहे की तरह घर में दुबक कर बैठने से अच्छा है कि मीडिया के सामने आए, अपना सच साबित करें, और वो मीडिया के सामने इसीलिए आना नहीं चाहती है क्योंकि मीडिया के सामने उनका सच बाहर आ जाए। और इस बीच गौ रक्षा हिंदू दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष वेद नागर ने सीमा को लेकर सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार सीमा हैदर को देश से बाहर निकाल दे, वरना वो बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीमा कोई साधारण महिला नहीं है, वो पाकिस्तानी जासूस है, और यही नहीं, वो कह रहे हैं कि सीमा देश के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकती है। जैसा कि आपको पता है कि नोएडा के अंदर पाकिस्तान से आई हुई एक महिला मीडिया में बहुत मजबूती से छाई हुई है, जो अपने आप को सीमा हैदर बताती है और हमारे देश के नागरिक सचिन से ये बताती है कि मैंने उससे शादी कर ली है। वो 4 बच्चों को लेकर भारत के अंदर आई है। साथियों, मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताता हूँ कि 5वीं फेल होने के बाद भी इतनी फर्राटेदार इंग्लिश बोलना, इस तरीके से मीडिया में बयान देना, ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई बड़ी साजिश हो सकती है। सीमा हैदर 100% मुझे ऐसा लगता है कि जासूस लोगों से मिली हुई है, क्योंकि इसका भाई आर्मी में बताया जाता है। मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताना चाहता हूं
कि 72 घंटे के अंदर सीमा हैदर और चारों बच्चों को देश से बाहर निकाला जाए। अगर इनको 72 घंटे के अंदर नहीं निकाला जाता तो हम इस पर आंदोलन करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान मुल्क की ये महिला हमारे देश की एकता अखंडता को किसी भी रूप में कितनी भी बड़ी चुनौती दे सकती है, जिसको हम किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। इधर अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत राजूदास ने भी कहा है कि भारत सरकार पाकिस्तान के हिंदुओं की चिंता करे, सीमा की जांच करें, कहीं ऐसा तो नहीं कि सीमा जासूस है। देखिए, भारत की जो एक परंपरा रही है शरणागतों को शरण देने, तो अगर भारतीय संस्कृति के अनुरूप सीमा सचिन बन गई और उसने पाकिस्तान की जाहिलता से उब करके अगर भारत में आई है, क्योंकि इस्लाम में महिलाओं का सम्मान नहीं है, इस्लाम महिलाओं के लिए एक नरक है, लगातार जो है महिला वहाँ प्रताड़ित होती हैं, तो अगर सीमा हैदर को छोड़ के सचिन लगा लिया है तो मेरा मानना यह है कि जो खुफिया एजेंसियाँ हैं वो राष्ट्र की सुरक्षा को देखते हुए अगर उसके अंदर ऐसी कोई बात नहीं है, अगर वो जासूस नहीं है, तो उसको फिर यहाँ उसको नेशनलिटी मिलनी चाहिए। पाकिस्तान के सिंध में रविवार की सुबह हिंदू मंदिर पर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया। हमलावरों ने मंदिर के आसपास रहने वाले हिंदुओं के घरों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, फायरिंग की। मंदिर और हिंदुओं के घरों पर हमले सिंध के काश्मोर इलाके में किए गए। गोलियों की आवाज सुनकर पुलिस पहुंची, लेकिन उससे पहले ही जो हमला करने वाले थे वो फरार हो गए। पाकिस्तान की पुलिस के मुताबिक हमलावर 8 से 9 की संख्या में थे और जिस मंदिर पर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया उस मंदिर का संचालन बांगड़ी समुदाय करता है। धार्मिक सेवाओं के लिए मंदिर हर साल खुलता है। वहीं सिंध के काश्मोर और घोटकी में हिंदू समुदाय के 30 लोगों को अगवा किए जाने की भी खबर है। बताया जा रहा है कि दोनों घटनाओं में डकैतों का गिरोह शामिल है। 24 घंटों के भीतर हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की दूसरी घटना रही। इससे पहले शुक्रवार को कराची में पुराने मारी माता मंदिर पर बुलडोजर चलाकर उसे ढहा दिया गया था। इन घटनाओं पर पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग ने चिंता जाहिर की है। आपको बता दें कि सीमा हैदर के मामले को लेकर सिंध में पाकिस्तानी डकैतों ने धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान नहीं भेजा जाता है तो पाकिस्तान में हिंदुओं को निशाना बनाया जाएगा। और शुक्रवार को और संडे को ये दो घटनाएं जो हुई हैं बैक टू बैक, इन दोनों घटनाओं को इसी धमकी से जोड़कर देखा जा रहा है। हमने पाकिस्तान के कई YouTube चैनल्स को भी खंगाला है। इस दौरान जहां सीमा हैदर रहती थी उस मोहल्ले से पड़ताल का एक वीडियो मिला है, देखिए आप भी इस वीडियो। ये है सीमा का घर जो कि पाकिस्तान में रहती थी, लेकिन अब वो रहती हैं इंडिया में। कराची में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम था सीमा, अब वो मौजूद है इंडिया में और इंडिया में कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तानी जासूस है, लेकिन वो कोई जासूस नहीं है। उसके शौहर का नाम था हैदर जो कि सऊदी अरबिया में जॉब करता है और उसका एक बॉयफ्रेंड भी था पाकिस्तान के अंदर। बेटा हट जाओ, अगर तुम लोग ऐसे सीमा का ख्याल करते तो वो यहीं पर ही होती आज। जी, सचिन और सीमा आपस में अफेयर चला, सीमा यहाँ से दुबई, वहाँ से नेपाल और फिर इंडिया। इस तरीके से बिना वीज़ा पासपोर्ट के तारों के नीचे से सीमा रातों रात इंडिया पहुंच गई। तो आए इनके इलाके के लोगों से जानते हैं कि सीमा एक जासूस थी पाकिस्तानी या क्या? नहीं, जासूस वाले नहीं थी। जो पबजी पे उसकी सेटिंग हुई, बस जो है मतलब के वहाँ सेटिंग हुई, उधर से ही चली गई। बात करेंगे आप नहीं करेंगे सीमा के बारे में? नहीं। सीमा कह रही है कि अगर मेरे बच्चे या मैं पाकिस्तान गई तो ये लोग मुझे मार देंगे पाकिस्तानी। उसने हमारे पाकिस्तानियों को ऐसा दिखा दिया इंडिया के अंदर जैसे हम जल्लाद हैं। मैं सर नहीं जाना चाहती पाकिस्तान, और प्लीज मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि मुझे भेजा भी ना जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। सीमा यहीं पर ही रहती थी? जी, यहीं पर रहती थी। मैं उसको देखता था, उसके 4 बच्चे थे, कभी दुकान पे बैलेंस डालने जा रही है, कभी सब्जी लेने जा रही है। मैं बताता हूँ, उसके पास जाओ, डायरेक्ट उससे इंटरव्यू ले। उसके तकरीबन 3-4 साल से उसके साथ थी वो। सीमा उसके साथ थी? सीमा का एक लौंडा नहीं है, 50 लौंडे हैं सीमा के। सीमा ने यहाँ पे बॉयफ्रेंड रखे हुए थे? हाँ। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। यहीं रहते हैं?
यहाँ पे सीमा यहीं पर ही रहती थी जो इंडिया चले गई? हाँ, यहीं पर ही रहते थे। आप सीमा को कितने साल से जानते हैं? मैं तो दो चार महीने से देखता था, इधर घूमता फिरता था। अब इधर से भागिए तो मोहल्ले वाले कह रहे थे यही लड़की जो घूमती थी यही है।